जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि रजनीकांत हाल ही में मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग के चलते काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं। जी आपको बता दें, उन्होंने शो के होस्ट बेयर गर्ल्स के साथ कर्नाटक के बादीपुर टाइगर रिजर्व में शूटिंग भी की थी। जी हाँ, खबर सामने आई थी कि शूटिंग के दौरान रजनीकांत काफी बुरी तरीके से घायल हो गए थे। हालांकि बाद में पता चला कि ये बातें सारी अफवाहें हैं। लेकिन आपको बता दें, इस शूटिंग को लेकर अब रजनीकांत की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं और मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि अब हो सकता है रजनीकांत को जेल भी जाना पड़े। जी हाँ, तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार माजरा क्या है। जी हाँ, मुश्किलें इस कदर बढ़ चुकी हैं रजनीकांत की कि टाइगर रिजर्व के कुछ कार्यकर्ता, कुछ एम्प्लॉइज रजनीकांत के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार उनको गिरफ्तार करने की मांग भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रजनीकांत ने बेयर गर्ल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग बादीपुर टाइगर रिजर्व पार्क में की। ऐसे में वहां के एम्प्लॉइज ने वहां मौजूद जानवरों की फिक्र जताते हुए रजनीकांत के खिलाफ आंदोलन भी किया। जी हां, कार्यकर्ताओं ने कहा कि शूटिंग के लिए जो क्रू टाइगर रिजर्व पार्क में मौजूद है उससे जानवरों को खतरा हो सकता है। जैन सभी चीजों को देखने और सुनने के बाद भी रजनीकांत ने शूटिंग नहीं रोकी, वो शूटिंग कंटिन्यू करते रहे और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तेजी से प्रोटेस्ट किया जा रहा और तेजी से उनके फैंस से लेकर उस टाइगर रिजर्व के एम्प्लॉइज रजनीकांत को अरेस्ट करने की मांग तेजी से कर रहे हैं, जिससे रजनीकांत की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती दिख रही है। लेकिन आपको इसी के साथ बता दें, सूखे मौसम की वजह से जंगल में आग भी लग सकती है, जिस पर आगे चलकर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कार्यकर्ता इस पर कहते हैं कि मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग मानसून में भी हो सकती थी, लेकिन अभी इतनी जल्दी क्या थी। बता दें कि रजनीकांत ने इन सब चीजों के बावजूद भी बेयर गर्ल्स को धन्यवाद करते हुए, यानी कि उनको थैंक्स कहते हुए एक ट्वीट भी करा और उस ट्वीट में बेहद ही प्यार भरा मैसेज उन्होंने लिखा, एक शानदार और कभी न भूलने वाला ऐसा एक्सपीरियंस के लिए आप सभी को धन्यवाद, बेयर गर्ल्स को खास तौर पर थैंक्स। यहाँ तो अब सोशल मीडिया पर तेजी से रजनीकांत के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग उनके खिलाफ जाकर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा क्या आगे कार्रवाई होती है और क्या फैसला लिया जाता है। नेक्स्ट 9 लाइव डेस्क से इंदु की रिपोर्ट।